हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम आप लोग को बताने जा रहे हैं मॉडल्स में बता रहे हैं सम स्पेशल स्ट्रक्चर ऑफ मॉडल्स। इसमें आप लोग को स्ट्रक्चर नंबर 1, स्ट्रक्चर नंबर 2, स्ट्रक्चर नंबर 3, स्ट्रक्चर नंबर 4 पढ़ा दिए हैं, ठीक है। अब हम बताने जा रहे हैं स्ट्रक्चर नंबर 5 और 6 और 7 और 8। इस तरह से मॉडल्स आपको पढ़ाते रहेंगे। चलिए देखते हैं। फर्स्ट में है सम स्पेशल स्ट्रक्चर ऑफ मॉडल्स। सम स्पेशल स्ट्रक्चर ऑफ मॉडल्स है, देखेंगे। नंबर 5 में गॉड प्लस सब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट, ये क्या है आपका स्ट्रक्चर है, बनावट है ना। चलिए देखते हैं। आईडी, आईडी मीन्स पहचान, आईडी मीन्स पहचान। आईडी है भगवान करे भारत मैच जीत जाए, भगवान करे भारत मैच जीत जाए। चलिए देखते हैं इस सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर है, तो स्ट्रक्चर में आपका क्या है, मे गॉड। तो सबसे पहले हमको मे गॉड यहां निकाल लेंगे। उसके बाद क्या है, भगवान करे भारत मैच जीत जाए। उसके बाद आपका है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, सब्जेक्ट आपका क्या है इसमें, भारत। भारत क्या आपका है, सब्जेक्ट है। चलिए देखते हैं भारत की क्या होता है, इंडिया। भारत की क्या होता है, इंडिया। उसके बाद क्या आपका, भीवन। आप लोग जानते हैं कि वी फाइव होता है, वर्ब फाइव होता है। इस सेंटेंस में भीवन का यूज करना है। चलिए देखते हैं। अब इसमें क्या है, जीतना है ना, जीत जाए, जीतना। जीतना क्या होता है, विन। क्या जीत रहा है, मैच, द मैच। कंप्लीट आपका ऑब्जेक्ट हो गया द मैच, ठीक है। अब फिर से एक बार समझ लीजिए, मे गॉड प्लस सब्जेक्ट प्लस भी वन प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका स्ट्रक्चर है। उसके बाद आईडी है भगवान करे भारत मैच जीत जाए, मे गॉड इंडिया विन द मैच, मे गॉड इंडिया विन द मैच, भगवान करे भारत मैच जीत जाए। चलिए नंबर 6 में देखिए, नंबर 6 में देखिए, सब्जेक्ट प्लस शुड मस्ट प्लस बी प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका स्ट्रक्चर है। चलिए इसका आईडी क्या है, वह सो रही होगी, वह सो रही होगी। एग्जांपल में क्या है, पहले आपका देखेंगे आप सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है, वह के क्या होता है, सी भी होता है और ही भी होता है, लेकिन हिंदी सेंटेंस के अनुसार हम लोग सी और ही रखते हैं। चलिए देखिए, उसके बाद क्या है, शुड मस्ट, उसके बाद हमें शुड मस्ट यूज करना है। सब्जेक्ट के बाद क्या करना है, शुड मस्ट। उसके बाद क्या है, बी, तो हम बी की यूज कर देंगे। उसके बाद आप क्या है, वर्ब। वर्ब आप लोग जानते हैं कि फाइव होता है, बी वन बी टू बी थ्री बी फोर बी फाइव। इस तरह से इस स्ट्रक्चर में या इस सेंटेंस में बी फोर का यूज करना है। चलिए तो इसमें क्या है, भर्ब आपका सोना, भर्ब क्या है, सो रही है ना, तो स्लीपिंग। कंप्लीट, इसमें ऑब्जेक्ट का यूज नहीं है तो हम ऑब्जेक्ट का यूज नहीं किए। चलिए अब देखिए, अब देखिए स्ट्रक्चर नंबर 7, सब्जेक्ट प्लस वुड लाइक प्लस भी वन प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद आपका क्या है, आईडी, आईडी मीन्स पहचान, मैं आपको बुलाना चाहूंगा। देखिए इसका एग्जांपल, मैं, पहले क्या आपका है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट इसमें क्या है, मैं तो आई। कंप्लीट। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, वुड लाइक, उसके बाद क्या बोल रहा है लगाने के लिए, सब्जेक्ट के बाद वुड लाइक, चलिए हम वुड लाइक लगा दिए। उसके बाद क्या है आपका, वर्ब है, वर्ब कैसा है, भी वन, भी वन यूज करना है, ठीक है, इस सेंटेंस में हमें भी वन का यूज करना है। चलिए अब देखते हैं इसमें क्या है, बुलाना, बुलाना आपका क्या है, वर्ब है, बुलाना क्या आपका है, वर्ब है। तो कॉल मीन्स बुलाना, टू कॉल, टू कॉल किनको बुला रहे हैं, आपको, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, आपको, यू। इस तरह से सेंटेंस को आप अच्छे से बना सकते हैं। चलिए उसके बाद क्या है, नंबर 8, नंबर 8 में है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस यूज्ड टू प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट।
उसके बाद है आईडी, आईडी मीन्स पहचान। वह सिफा में पढ़ा करती है, वह सिफा में पढ़ा करती है। चलिए देखते हैं इसके एग्जांपल कैसे बनाएंगे। पहले लेंगे सब्जेक्ट, पहले लेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या आपका है? वह। वह के क्या होगा? सी। उसके बाद सी के साथ हम लोग यूज करते हैं इज का, है ना, सी के साथ इज लगेगा। उसके बाद क्या है? यूज टू, तो हम हेल्पिंग वर्ब के बाद इज टू यूज करेंगे। उसके बाद क्या आपका है? वर्ब, वर्ब फोर है। इस संदेश में आपको वी फोर का यूज करना है। तो देखिए वर्ब आपका है पढ़ना, वर्ब क्या आपका है? पढ़ना। तो रीड, रीड मींस पढ़ना होता है, लेकिन वी फोर में आई एन जी एड होता है, तो हो जाएगा आपको रीडिंग। उसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहाँ पढ़ते हैं? सिफा, सिफा में इन सिफा। इस तरह से संदेश आप बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं, और इसको अभी नोट कीजिए और अभी स्क्रीन शॉट कीजिए, ठीक है। इस पर हजारों सेंटेंस आप डेली टू डेली बना सकते हैं, आपकी स्पीकिंग के लिए बहुत अच्छा होगा, आप बहुत अच्छे से अंग्रेजी बोल सकते हैं इसके माध्यम से। ओके, थैंक यू।